तो कर ले बैचलर्स पार्टी। वाओ पापा, चाचू की बैचलर्स पार्टी। पापा आप लोग एकदम पार्टी वाली शर्ट पहन के जाना, और फूड और म्यूजिक का अरेंजमेंट एकदम प्रॉपर होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, आप जरा मुझे ये बताइए, आपको कैसे पता है कि बैचलर पार्टी में क्या होता है? वो इशिमा, मैंने मूवीज में देखा है कि शादी से पहले दूल्हा और उसके फ्रेंड्स बैचलर्स पार्टी करते हैं। मुझे लगता है अपने बैचलर पार्टी की मुझे इससे टिप्स लेनी पड़ेगी। शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाते, फोन में होता है। आपका जो शेर का बच्चा है ना, ये भी सिर्फ पढ़ाई करने वाला है। नेक्स्ट वीक तुम्हारे एग्जाम्स है ना, यू आर नॉट गोइंग टू पार्टी। इशिमा सही करी, बेटा स्टडीज कम फर्स्ट, पहले पढ़ाई, बाकी सब तो होता रहे। हाँ भाई कर लूंगा पापा। इशिमा प्लीज, मैं आप एक्चुअली सभी लोगों को बताना चाह रही थी कि आदि और रूही के एग्जाम्स है, क्योंकि तो फंक्शंस तो अटेंड नहीं करेंगे। पर ऐसा थोड़ी ना, तो मैं कर लूंगा ना पढ़ाई। आदि पुत्र इसका ठीक कह रही है, पढ़ाई का हर्जा नहीं होना चाहिए। हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो। पापा जी प्लीज, मैं रूही और आदि के बिना शादी वादी नहीं करने वाला, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। भाई नहीं भाई यार, बात मत करें। अरे ऐसा नहीं है, शादी के दिन तो होंगे ना ये लोग, शादी अच्छे से होगी, ठीक है ना? थैंक यू चाचू, थैंक यू थैंक यू। तो जल्दी जाओ तुम, रूही और शब इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट, टिफिन टिफिन। हाँ तो चलो बैचलर्स पार्टी की तैयारी कर ले। हेलो जी, मैं डॉक्टर इशिता भल्ला बोल रही हूँ। क्या? I don't know what to say. Actually, I'm just a dentist. I'm not a businesswoman. आप मुझे CEO का जॉब कैसे ऑफर कर सकते हैं? देखिए मुझे कोई कंपनी रन करना नहीं आता है, शायद हमसे कोई गलतफहमी हुई है। हाँ हमने 15 अगस्त को ऑर्डर पूरा किया था, लेकिन मैंने अकेले ने नहीं किया था ये, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ इन्वॉल्व थी, उन लोगों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। माई वर्कर्स वर देयर, तो हमारी कंपनी के वर्कर्स और सबने मिलके काम किया, इसलिए उसका क्रेडिट अकेले मुझे नहीं जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना बड़ा पोस्ट मुझे ऑफर किया, इट्स एन ऑनर। लेकिन फ्रैंकली आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ डेंटिस्ट। मैं नॉर्मल डेंटिस्ट हूँ और मुझे पसंद है अपना काम, दैट्स इट। बट थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। हाँ भूषण बोल, बड़े दिन बाद फोन किया। नहीं नहीं भाई, डेंटिस्ट में बहुत खुश है, डेंटिस्टी में अपनी पूरा दिन क्लिनिक में होती है, उससे प्रोफेशन चेंज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो अपनी कंपनी की एमडी के पोजीशन के लिए किसी और को ढूंढ ली तू। चल क्या बात है मैडम, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है कि तुम्हारी दांत तोड़ने की दुकान मैं संभालूं और तुम मेरा ऑफिस संभालो। आई एम सॉरी, लोग आपको परेशान कर रहे हैं फोन करके, दैट्स नॉट गुड। पागल हो गई? आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मुझे नाज है तुम्हें। मेरा बिजनेस संभाल लिया, मेरी फैमिली को एक साथ ले आए, थैंक यू। तुम्हें जितनी बार थैंक्स कहूं कम है। तुम मत कहो थैंक्स प्लीज। ये थैंक यू तुमने कमाया है, मेरा हक बनता है। थैंक यू सो मच। इतनी अच्छाई मन दिखाओ, आदत नहीं है मुझे। आदत डाल ले। अभी तो काम है मुझे। यार तू कुछ काम की नहीं है, पूरे मूड की ना तू बैंड बजाती थी हमेशा। यार कहाँ जाना है तुझे? अरे क्लिनिक जाना है, और फिर डॉक्टर मुखर्जी की भी क्लिनिक जाना है, वहाँ पे कोई नया डॉक्टर आया है, उसने खुद ने मुझे फोन करके बुलाया। अच्छा वैसे मैं तो अपना काम कर लूंगी, मतलब मेरा बिजनेस है, मैं नहीं चाहती कि किसी और के कारण कोई लॉसेस वॉसेस हो। नो तो ऐसा है कि जो बंदा तेरा बिजनेस तेरे लिए संभाल रहा है ना, उसे सैलरी चाहिए, वो भी एडवांस। देखो हमारी कंपनी पॉलिसी में ऐसा लिखा नहीं है कि हम एडवांस सैलरी किसी को दें। बेटा पंजाबी पॉलिसी, हक ना मिले तो लूट लो, सोच ले। नहीं 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 जल्दी आप तो एडवांस सोच ले, बंदा चौपट पे फोन आ रहा है। चल मैं जा रहा हूँ चेंज करने। हेलो या डॉक्टर मुखर्जी के ऑफिस से ना? हाँ हाँ नहीं हम मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी शाम को 5 बजे। या आई विल गेट द पेपर्स, थैंक यू। Hi, hi, hi. Please come. Hello, मैं डॉक्टर इशिता भल्ला। डॉक्टर मनोज पॉल, may I? आज से आपका ये केस मैं हैंडल करूँगा। डॉक्टर मुखर्जी को लगता है कि ये केस मेरे टाइप का है। आई मीन ऐसे केसेस मैंने पहले भी हैंडल किए। Thanks to know that. आपका नाम इशिता भल्ला है और आपके हस्बैंड का? रमन भल्ला। रमन भल्ला।
ये नाम मैंने अभी रिसेंटली कहीं सुना है, कहाँ सुना है कुछ याद नहीं आ रहा है। ओह यस, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे राइट? या मैं वहीं मिला था उनसे। सिटी हॉस्पिटल में एक्चुअली उनको काफी इंजरी आई थी, दैट्स व्हाई ही वाज एडमिटेड। राइट, काफी इंटरेस्टिंग आदमी है आपके हस्बैंड। है तो। एनीवेज सर, कैसे हैं वो? आई होप ही इज गुड। या ही इज फाइन नाउ। एक कन्फेशन करूं? यस। जब मुझे पता लगा था कि कोई स्पेशलिस्ट से मिलने वाली हूँ मैं, आई थॉट आप कोई सीनियर डॉक्टर होंगे, बट यू आर सीनियर मतलब एज में बड़े। एक्चुअली मेरे मोस्टली पेशेंट्स का रिएक्शन यही होता है, लेकिन मेरे लिए अच्छा है, तुम सबको लगता है कि मेरी एज काफी कम है। कॉम्प्लीमेंट। डॉक्टर रिश्ता, मैंने आपके रिपोर्ट्स चेक कर लिए, हमें कुछ दो तीन टेस्ट और करवाने होंगे, उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। क्यों और टेस्ट क्यों कराने हैं? मतलब डॉक्टर मुखर्जी ने तो काफी सारे टेस्ट कराए हैं पहले। या राइट, वो भी जरूरी थे और ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली आपका केस नॉर्मल केसेस से थोड़ा सा अलग है, यूनिक है। सो मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले और आपको कुछ भी रिजल्ट देने से पहले 100% श्योर होना चाहता हूँ। ऑलराइट, आप बताइए कौन से टेस्ट मैं सब करवा लूंगी। डॉक्टर रिश्ता, यू डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे। और आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं कि पॉजिटिविटी में कितनी ताकत होती है। जस्ट बी पॉजिटिव। यू आर राइट। एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली भी मुझसे यही कह रही है कि आई शुड बी पॉजिटिव। सब लोग बहुत पॉजिटिव है मेरे घर पे, सबका इतना सपोर्ट है। मेरी बेटी रूही सबसे ज्यादा तो उसका, उसके कारण तो मैं ये सब ट्राई कर रही हूँ। उसकी प्रेयर्स का नतीजा है कि मैं आज यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रूही। रूही, अच्छा नाम है। Surprisingly, दिल्ली में आने के बाद ये नाम मैं दूसरी बार सुन रहा हूँ। दूसरी बार? Yes. Actually, नाम बहुत ही uncommon है। और किसका नाम है ये? मेरी room neighbor. हाँ. Right, मेरी neighbor का नाम। I'm sure, वो भी हमारी रूही की तरह बहुत cute होंगी। Yes, कड़वा करेला है। Anyways, डॉक्टर रिश्ता, मुझे आपके हस्बैंड और आपकी फैमिली से भी मिलना पड़ेगा। Now that आपने कहा है कि आप पूरी फैमिली का सपोर्ट है, तो कुछ बातें उन्हें भी पता होनी चाहिए। I mean, about this process, that's it. तो कैसे करें? मतलब मैं पूरी फैमिली को यहाँ तो नहीं ला सकती हूँ। Why would you come down to my place? आप मेरे घर आइए, मेरी पूरी फैमिली से मिलिए, लंच या डिनर पे आ जाइए। आप तो वैसे भी नए हैं ना दिल्ली में, तो आपको होम मेड फूड मिलेगा एंड आप अपने पति से मिल सकते हैं। घर का बना होगा। आज की बैचलर्स पार्टी मतलब दुनिया याद रखेगी। यार ये देख, सब तेरी भाभी का किया धरा है। अब आपकी बेटी सुधर नहीं सकती यार, जासूस छोड़ रखे हैं ताकि हम मजा ही ना करें। लेकिन जैसे कि सब जानते हैं, बाप बाप होता है। वेट, वॉच एंड लर्न। नहीं नहीं नहीं, बैंड बजने वाली है हमारी, मुझे पता है, मेरी शादी है। चुप ना यार। जी हाँ बोलो वाशा। आप ड्राइवर हमारे? हाँ। ऐसा है कि मैं ना फोन घर पे भूल गया हूँ, आप ले आओगे प्लीज? वो तुसी चिंता ना करो, मैं लेके आया अभी। और चाबी दे दो यार, टांगों में दर्द है ना, खड़ा नहीं रह सकता। चाबी गाड़ी में। मानता है कि नहीं? मानता हूँ भाई, मजा आ गया भाई को। आओ तो मतलब एकदम उत्तर ड्रिंक का ड्राइव ठीक नहीं है। अरे 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 बल्ला साहब, आप टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूँ ना, मैं ड्राइव करूंगा, मैं पीऊंगा नहीं, बस डोंट वरी। अरे फिलहाल चंदाल चौकड़ी आ रहे, उससे पहले चलो तो सही। चलो 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 चलो। तानी कहाँ रख दिया है फोन, ले भी नहीं रहा है। क्या पता मिल गया फोन? जरूरत ही नहीं है फोन की। क्यों, आप
आपके बेटे ने पता है क्या किया है? क्या? आपको बुद्धू बनाया, पार्टी में चले गए हम। मैं ना बताती हूँ, हद करते हैं, बुद्धू बना रहे हैं। अभी फोन भी नहीं उठाएंगे, डर लग रहा है ना। मुझे मालूम है कि आपको जाना था, भागना था हम लोगों से, इसीलिए आपने ऐसे किया है। रमन, आई एम टेलिंग यू, रोमी की पार्टी है, ओके? अगर आपने रात को कुछ भी गड़बड़ की ना, मुझसे बुरा तो कोई होगा नहीं। बेटा काम डाउन। अरे मैं और बल्ला साहब है ना, हम लोग सब संभाल लेंगे, तो ये टूट पड़ेगा। अप्पा आप हो साथ तो ठीक है, लेकिन आई एम ट्रस्टिंग यू। हां अप्पा, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, प्लीज। अब प्लीज आप देख लेना उन्हें। हां हां, आई प्रॉमिस यू, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, डोंट वरी। भाई का फोन मिला भाई। अरे भैया, ओए यार, गुस्सा हो रहा हूं। चिल रखना, की होए गल सुन। उधर जेंट्स की पार्टी हो रही होगी, इधर लेडीज की पार्टी होगी। गुड आईडिया है ना। क्या पार्टी यार, मैंने तो सोच भी लिया है, हम ना गोल गप्पे दी पार्टी करेंगे लेडीज दे वास्ते। है तू इंज कर, जाके अपने घर की सारी लेडियां को लेके आ, वंदू को, मीका को, ते हां समदन नु जरूर लाई। अच्छा ठीक है, और वो बेचारे ड्राइवर को वापस भेजती हूं। हाँ। तू मेरा प्लान सुन यार। क्या ये, क्या पार्टी का क्या मामला है? सुन ना यार, ये जो बोरियत की टोकरियां मद्रास ने ना, इन्हां नु एहो जी पार्टी देके ना कि सारी जिंदगी याद रहनी है। एक सेकंड मिल, कहीं आप पैसे वाली पार्टी की बात तो नहीं कर रही है? ओए तू तो बहुत ही जवान हो गई है यार। एकदम समझ गई, बिल्कुल ठीक समझी है। ठीक है, कैसा रहेगा? बहुत मस्त। चल चल चल, तैयारी करिए। और नीलू, तैयारी तो तुमने भाई बहुत बढ़िया की। अरे तो होनी पड़ेगी ना भाई, आखिर बैचलर पार्टी किसकी है? रोमी की है, कड़की होनी चाहिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आजा रोमी, आजादी के आखिरी कुछ पल बचे हैं तेरे, जी ले। लेकिन ये सब तैयारी तूने कब की? पापा मैंने घर पे क्या बताया था, शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाता। आजा आजा भाई। ओ, ओ, ये। आज शाबाश बेटा। रोमी चलो भैया, यहाँ से शादी शुरू हो गई अब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पापा, अरे आप कैसे रह गए? अरे बाकी की भी छोड़ दो। अरे यहाँ आए पार्टी, चलो 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 पकड़ो, चलो टाइम फॉर अ टोस्ट। तो ये पहला जाम हमारे रोमी के नाम, for Romy and Sarika, may you guys have a very happy and healthy married life. अरे बाला बेटा, happy और marriage साथ नहीं जाते, भूल रहा है। एक मिनट, सबसे important announcement, इस bachelor party पे जो होगा, इस चार दीवारी के बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई घर जाके अपनी बीवियों को नहीं बताएगा। Correct, correct. बाला खास करके तू, ये देखो उसके नाम से घास रहा है। अरे बिया मैन यार, दो बच्चे पैदा कर चुका है तू। अरे मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं बताऊंगा भाई, कसम खा, बंदूक की कसम। ए यार बंदूक, ये देख, नहीं सुधरेगा। और अप्पा, अम्मा कितना भी कूटे, कितना भी डांटे, बोलिएगा मत। नो नो, नेवर नेवर नेवर। तो चलो चलो, यस टू रोमी। यस रिंकी, छेती लिया यार फटाफट, ये लो और असली पार्टी होएगी। मम्मी जी आ जाओ जी, आ जाओ, वेलकम जी वेलकम, आओ बैठो 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 जी बैठो बैठो। चल कुछ बोल बना। देखो मैं गल सुनो,
आज मैं तुम लोगों की गोलगप्पे वाली हूँ और तुम लोग मेरे ग्राहक, मेरा मतलब है मुफ्त के ग्राहक। आज मेरे हाथ के गोलगप्पे खाओ। संतोषी सुपर, आई लव गोलगप्पा, मैं तो आज रूंगा गोलगप्पा खाऊंगी। नारायिया आपके लिए है। और मेरे गोलगप्पे जिन्ने मर्जी खा, तेनू तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा वनु दीदी, सारिका भाभी, आपके लिए मम्मा ने स्पेशल गोलगप्पे बनाए, वो आप लोग बेबीज को फीड कर रहे हैं तो कम मिर्ची वाले, आप लोग ये लेना। ओह हाउ थॉटफुल आंटी, थैंक यू सो मच। बिंदास होके खाओ, जिन्ने मर्जी खाओ। अपा बहुत स्लो पी रहे हो आप यार। अरे मैं कहां पीता हूं बॉयज। वन सेकंड, आई हैव गॉट अ रेवलेशन टू मेक। प्लीज क्लैपिंग। रोमी तू सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं है, मेरा भाई भी है यार। ऑनेस्टली जब मैं शहर में आया था तो किसी को नहीं जानता था। रोमी सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरा दोस्त बना। और रोमी तूने वो जो चीजें सिखाई थी। नहीं नहीं है? अरे रोमी ने इसे क्या सिखा दिया यार, हम लोग तो रोमी को आज तक कुछ नहीं सिखा पाए। रमन ये पहला ऐसा आदमी है जिसने रोमी से कुछ सिखा है। अरे नहीं 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 रमन ऑनेस्टली बहुत काम की चीज सिखाए हमको भी सिखाया। बिटवीन यू एंड मी, नेवर कमिंग आउट ब्रदर, नेवर कमिंग आउट। अरे यार तू एक ही दोस्त है और अब मेरा जीजा बन गया है यार तू। मेरे भाई अभिषेक, तू मेरा भाई था, तू मेरा भाई है, मेरा भाई रहेगा। भाई तू चिंता ना और गरीब भाई, तू भाई अपना। रोमी अकेला ही क्यों, तुम सब लोग मेरे भाई हो यार। इनफैक्ट I can prove this to you. अभी ब्लड टेस्ट करेंगे? Prove. Exactly. Prove. चलो। अभी ब्लड टेस्ट करेगा। अरे ये क्या कर रहे हो? ये पागल हो गया क्या? क्या कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कसम खाई जाती है। अबे रोमी ये कुछ नहीं है यार, आजा हम भाई है ना, दिखाता हूँ। अरे पागल है, शादी है मेरी। अरे अरे कुछ नहीं होगा यार। नहीं नहीं भाई मेरे अंकल, अरे पागल हो गए। और तेरे को चढ़ गई है? नहीं नहीं मेरे मेरे रमन मेरे भाई, कुछ नहीं आज से तू भी मेरा भाई है यार। साला है, साला है ना, तू मुंह से कसम खा। अरे पागल है, तो काम कर, मैं तो साबित करने का और तरीका है। अब इधर आ रोमी, इधर आ। अब ये बोतल जब तक खत्म नहीं होगी या कोई बैठेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं। पास कर। करेक्ट ऐसे। सर टेस्ट कुछ अलग नहीं है। बहुत अच्छा है उनका। कैसे लग रहा है? रुम्बन अल्लाह है, रुको रुम्बन अल्लाह सुपर। बादलों पे जा रहा है जहाज है, जहाज में गोलगप्पे खा रहे हैं, जहाज पे एयर होस्टेस गोलगप्पे सर्व कर रही है। हनुमान संतोष है मेरे के, संतोष है और दोस्त। ले यार जितने मर्जी खा। अम्मा वेरी टेस्टी, यू मस्ट लर्न दिस। मम्मी जी मैं इधर आके खाएगी तुम्हारे घर में, खाने दो अभी। तेरी अम्मा ऐसा कुछ, अम्मा ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लाइट लाइट हैप्पी 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 लग रहा है। अम्मा स्लो मोशन कर रही है, स्लो मोशन कर रही है। तुम भी स्लो स्लो हो गई है, इश्यू स्लो हो गई है। अपने अपने पतियों को रो रही थी और सारियां खुद टल्ली हो गई। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।